उसका और मिड नाइट में मिड नाइट तक कंप्लीट होने का चांसेस है। और फोरकास्ट जैसा हम लोग पहले से ही बोला है उसी तरह से फोरकास्ट है, हैवी टू वेरी हैवी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल वार्निंग जो हमारा डिस्ट्रिक्ट था गजपति गंजाम मलकानगिरी कोरापुट रायगढ़ कंधमाल ये सब डिस्ट्रिक्ट में था हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल, नवरंगपुर एक्सट्रीमली हैवी नवरंगपुर भी था और हैवी टू वेरी हैवी कालाहांडी पूरी खुर्दा ये सब डिस्ट्रिक्ट में है। और इसका एडजेसेंट जो डिस्ट्रिक्ट में इसमें हैवी रेनफॉल का वार्निंग है, विंड वार्निंग जैसा हमारा था लैंडफॉल का अराउंड टाइम में 75 to 85 गास्टिंग में 95 किलोमीटर पर आवर तक जा सकता है। मैक्सिमम विंड जो है इसमें हमारा गजपति गंजाम डिस्ट्रिक्ट में होगा, उसका बाद फिर सेकेंड में जो है हमारा पूरी खुर्दा और कोरापुट इसमें रायगढ़ ये सब डिस्ट्रिक्ट में है, उसका बाद फिर मालकानगिरी नवरंगपुर कंधमाल ये सब डिस्ट्रिक्ट में रहेगा। इन साइड में आप जितने जाएंगे उतना विंड स्पीड धीरे धीरे कम होता रहेगा। और फिशरमैन को आज और कल बिल्कुल समुद्र जाने के लिए मना है, फिशिंग एक्टिविटी और भी हमारा ऑफशोर ऑनशोर में जो सब एक्टिविटी चलता है वो बिल्कुल मना है। अभी हमारा पोर्ट वार्निंग गोपालपुर पोर्ट में डेंजर वार्निंग 7 और पुरी में डेंजर वार्निंग 6 और पारादीप एंड धामरा पोर्ट में लोकल वार्निंग 3 सिग्नल जारी है। यही है आज और काली मेन इम्पैक्ट है। आज ऑलरेडी हमारा हल्का से मध्यम बारिश कुछ कुछ जगह में हो रहा है, विंड भी धीरे धीरे तेज हो रहा है मेनली गोपालपुर एरिया में। कुछ हमारा जो आवर्ली ऑब्जर्वेशन है इसमें से जो आ रहा है तो ग्रेजुअली इनक्रीज हो रहा है, तो मिडनाइट तक इसका मैक्सिमम होने का चांसेस है, फिर मिडनाइट का बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली कम होता रहेगा। कल आफ्टरनून तक विंड रहने का चांसेस है, उसका बाद फिर धीरे धीरे कम होगा। लैंडफॉल का बाद फिर 6 घंटा तक इसका साइक्लोनिस्टम इंटेंसिटी रहने का चांसेस है, उसका बाद फिर और 12 घंटा में हमारा एक्सट्रीम साउथ एशिया का थ्रू ये 36 का तरह मूव कर जाएगा, डिप्रेशन भी वीकेंड होने का चांसेस है। सर 28 तारीख में और एक आ रहा है। हाँ अभी जो हमारा ये है 28 को एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सबका काल होने का चांसेस है, उसका पॉसिबिलिटी है लो प्रेशर बनने का, बट उसका वेस्ट बंगाल का कोस्ट का तरह जाने का चांसेस है, बट उसका अभी इसका जाने के बाद और भी क्लियरिटी आएगा। अभी पॉसिबिलिटी कुछ है, ऐसा बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है, ऐसा नहीं है। तो इसी तरह हमने ऐसा मॉर्निंग में बोला है रेनफॉल वार्निंग आज और कल, तो साइक्लोन का साथ जो हमारा वाइड स्प्रेड रेनफॉल एक्टिविटी साउथ में मिल रही और नॉर्थ में फेल वाइड स्प्रेड एक्टिविटी तो रहेगा ही, और हैवी टू वेरी हैवी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल जो बताए वो तो रहेगा ही, उसका बाद फिर रेनफॉल एक्टिविटी बिल्कुल कम नहीं होगा। हल्का से मध्यम बारिश मेनी प्लेसेस में रहना होगा, मेनली नॉर्थ उड़ीसा में तो रहेगा साइक्लोनिक सर्कुलेशन में मानसून सर्कुलेशन। अभी जो हमारा अभी मानसून सीजन है तो मानसून सीजन में मानसून का सर्कुलेशन तो जारी रहता है, तो इसका वजह से रेनफॉल एक्टिविटी हल्का से मध्यम बारिश होता रहेगा। और उसका वजह से जो है हमारा 28, 29, 30 इसमें एक दो डिस्ट्रिक्ट्स में जैसा बालासोर मयूरभंज केवंछर सुंदरगढ़ उस तरफ एक दो जगह में हैवी रेनफॉल नॉर्मल वे में जैसा होता है उसी तरह से, अभी जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट इस तरह से नहीं है, तो उसमें एक दो जगह में हैवी रेनफॉल का चांसेस है उसी समय। एग्जैक्ट लोकेशन ही तो हम लोग बोल रहा है आपका कलिंगपत्तनम एंड हमारा गोपालपुर का बीच में डिस्टेंस अराउंड 120 to 130 किलोमीटर है। साइक्लोन का जो इम्पैक्ट हमारा जो होता है इसमें अराउंड 100 किलोमीटर रेडियस 100 to 150 किलोमीटर रेडियस तक होता है, तो इसमें इसका बीच का आपका रेडियस मिलने से 50 किलोमीटर रेडियस में का आते हैं, तो इसमें लगभग ऐसे ये भी है आपका मोस्ट ऑफ द ये आपका लोकेशन जो है इफेक्टेड एरिया है वो ऑलरेडी मेंशनड है। हाँ इसमें अभी जो है हमारा मानसून पीरियड है, सितंबर मंथ है, सितंबर मंथ में हमारा अपर लेवल और लो लेवल में विंड का जो डिफरेंस होता है इसको विंड शेयर कहते हैं, विंड शेयर बहुत ज़्यादा रहता है इस समय, विंड शेयर ज़्यादा है तो इस समय इसलिए साइक्लोन का इंटेंसिटी सितंबर मंथ में नॉर्मली बहुत ज़्यादा नहीं पहुँचता है। अक्टूबर नवंबर में जैसा साइक्लोन का इंटेंसिटी उस समय शेयरिंग कम हो जाते हैं, साइक्लोन पीरियड मेन सीजन चालू हो जाता है, तो उस समय इंटेंसिटी ज़्यादा होने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा होता है, इस समय शेयरिंग की वजह से इंटेंसिटी कम होता है। ऐसा सेप्टेम्बर महीने में साइक्लोन भी कम ही होता है,
लास्टली हमारा हुआ था दाए साइक्लोन 2018 में, आपको याद होगा, वो भी साइक्लोन ही था। सर थोड़ा डिस्ट्रिक्ट वाइज थोड़ा बताएंगे कहाँ पर कितना विंड स्पीड ले सकता है और ड्यूरेशन कब टाइम में ज़्यादा रहेगा, थोड़ा डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या बताएंगे। हाँ, डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने जैसा वार्निंग में कहा था उसी तरह से हमारा विंड का जो वार्निंग है मेनली गजपति गंजाम डिस्ट्रिक्ट में 75 टू 85 किलोमीटर पर आवर, गास्टिंग में 95 किलोमीटर आवर पर तक जा सकता है। मेनली ये मैक्सिमम विंड स्पीड लैंडफॉल का टाइम में अराउंड रहेगा, मीन्स मिड नाउट अराउंड का रहेगा, और इवनिंग आफ्टर इवनिंग से ग्रेजुअली इंक्रीज होता रहेगा, फिर मिड नाइट तक इंक्रीज होने के बाद फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्रीज होगा। और फिर नेक्स्ट में हमारा रायगढ़ा कोरापुट पुरी खुर्दा ये सब डिस्ट्रिक्ट्स में रहेगा 55 टू 65, गास्टिंग में 75। फिर हमारा सिमिलरली आपका टाइमिंग जो है सेम टाइम, ऑलमोस्ट सेम टाइम में ही है। फिर हमारा मालकानगिरी कोरा मालकानगिरी नवरंगपुर ये सब डिस्ट्रिक्ट्स में हमारा 50 टू 60 किलोमीटर पर आवर तक रहेगा, इसमें थोड़ा सा मिड नाइट का तरह रहेगा, मिड नाइट का बाद भी लेट नाइट तक रहेगा क्योंकि ये इनसाइड का डिस्ट्रिक्ट है। और 45 टू 55 कास्टिंग में 65, ये विंड स्पीड आपका अलोंग द नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा, नॉर्थ कोस्टल अलोंग द लाइन, नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट का अलोंग द कोस्ट लाइन, प्लस हमारा इनसाइड डिस्ट्रिक्ट में कालाहांडी नवापरा कंधमाल नयागढ़, इसमें आपका मिड नाइट का बाद मीन्स 27 डेट हो रहा है उसी डेट में रहेगा। ठीक है, तो ये है हमारा विंड वार्निंग का। तो मैक्सिमम विंड स्पीड हमारा गजपति गंजाम डिस्ट्रिक्ट का है। और बारिश का जो है, बारिश का हम लोग वार्निंग दिया है आज के लिए, जैसा एक्सट्रीमली हैवी हैवी टू वेरी हैवी फ्यू प्लेसेस में एक्सट्रीमली हैवी एक दो जगह करके, मेनली मालकानगिरी कोरापुट रायगढ़ गजपति गंजाम नवरंगपुर कंधमाल, इसमें 20 सेंटीमीटर। जहाँ आपण शुणुले एचआर विश्वास आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र निर्देशक सूचना दौले बंदर गुड़ी जो कैटेगरी वाइज कर गोपालपुर 7 नंबर विपद संकेत दि जाए, पुरी में 6 और अन्यान्य पारादीप को मिसाई अन्यान्य जो बंदर गुड़िक रहा 3 नंबर विपद संकेत दि जाए। वर्तमान भी से स्थित रही गोपालपुर 120 किलोमीटर दूर रही, वर्षार परिमाण बढ़िया सहित पवन रेग धीरे धीरे बढ़ विशेष करके गंजाम गजपति 75 रु 85 और जिते बड़े ये लैंडफॉल कर ये पखापाखि 95 किलोमीटर पर्यंत विंड स्पीड हो पारे से अनुसार विभक्त करा कौ जगार केते प्रभाव पड़े। रेड अलर्ट थिबा जिला गुड़िक, ऑरेंज वार्निंग थिबा जिला गुड़िक, येलो वार्निंग थिबा जिला गुड़िक, ये समस्त के पवन रेग रही कि पूर्व सूचना दी जाइसारी।